नमस्कार, मिसेस ट्रेवलिंग ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं श्री राधा कृष्ण कुंड। राधा कुंड गोवर्धन से 5 किलोमीटर दूर स्थित है, जो मथुरा नगरी में पड़ता है। मथुरा नगरी से 26 किलोमीटर दूर यह राधा कुंड स्थित है। यह गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बीच में पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए अब हम श्री राधा कुंड के बारे में जानें। श्री वृषभान कुमारी जू अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। राधा कुंड की अपनी ही एक अलग महत्ता है तथा धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार मन में पुत्र की आस, ऊपर से राधा जी पर विश्वास, यही राधा कुंड में स्नान करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। वो कथा इस प्रकार है कि कथानकों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन से गोचारण की लीला करते थे। गोवर्धन में इसी दौरान जब वे गायों को चरा रहे थे, तभी कंस ने एक अरिष्टासुर राक्षस को उन्हें कृष्ण जी का वध करने के लिए अरिष्टासुर राक्षस को भेजा और उस अरिष्टासुर राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर लिया तथा श्री कृष्ण भगवान पर उस राक्षस ने हमला बोल दिया। यह सब देख श्री राधा रानी ने उस अरिष्टासुर राक्षस का वध कर दिया। अतः जब श्री राधा रानी ने उस बछड़े रूपी राक्षस का वध किया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि वह गोवंश के रूप में था, इसलिए उन्हें गोवंश हत्या का पाप लगा है। इसी पाप की मुक्ति के उपाय में श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी से एक कुंड बनाया, जिसे कृष्ण कुंड कहते हैं, और उसमें स्नान किया। वहीं श्री राधा जी ने बगल में अपने कंगन से एक कुंड बनाया, इसे कंगन कुंड भी कहते हैं, जो राधा कुंड है, तथा उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण भगवान ने गोवंश हत्या में लगे पाप को हटाने के लिए उसमें समस्त तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित कर दिया। कहते हैं कि राधा कुंड तथा कृष्ण कुंड में समस्त नदियों तथा सरोवरों का तथा सभी तीर्थों का जल मिश्रित है, अतः ये कुंड बहुत ही पावन तथा पवित्र है। तथा इन कुंडों में स्नान के बाद राधा जी और श्री कृष्ण भगवान ने अष्ट सखियों संग यहाँ कई दिनों तक यहाँ महारास भी रचाया। जब उन्होंने यहाँ महारास रचाया तो श्री राधा जी ने कृष्ण भगवान से वरदान मांगा कि वे यह चाहती हैं कि इस कुंड में जो भी स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। जो दंपत्ति इस कुंड में स्नान करे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अतः कृष्ण भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया। साथ ही राधा जी को कृष्ण भगवान ने यह भी वरदान दिया कि राधा कुंड की महिमा कृष्ण कुंड से ज़्यादा रहेगी, जबकि कृष्ण कुंड और राधा कुंड दोनों अगल बगल में ही हैं और दोनों साथ साथ ही हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे अहोई अष्टमी जो कार्तिक मास में आती है, अतः कार्तिक मास की अहोई अष्टमी की रात्रि 12 बजे सप्तमी और अष्टमी के मध्य हजारों दंपत्ति यहाँ स्नान करते हैं तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति करते हैं। जो राधा कुंड नहाई पुत्र रत्न जन पाई, अर्थात जो राधा कुंड में स्नान करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो मान्यता है कि आज भी पुण्य नक्षत्र में राधा जी और कृष्ण भगवान रात्रि 12 बजे यहाँ रास भी रचाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज खंड में महाराज के बाद तथा श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें यह वरदान दिया था। और यहाँ ये इस विशेष दिन पर, अहोई अष्टमी के विशेष दिन पर, बहुत श्रद्धालुओं की
भीड़ लगी रहती है और यहाँ देश विदेश से दंपत्ति स्नान करने आते हैं। राधा कुंड की महिमा अलग ही है दोस्तों। राधा कुंड का जो पानी है वह कृष्ण कुंड के पानी से थोड़ा गोरा है, अर्थात थोड़ा साफ है। कृष्ण कुंड का पानी थोड़ा सांवरा है, अतः आप देखते ही बता सकते हैं कि यह तो राधा कुंड है, क्योंकि राधा जी गोरी थी और हमारे कृष्ण जी थोड़े सांवरे थे, अर्थात यह कृष्ण कुंड है। यह जो बीच में पीला सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इस पीले मंदिर के इस छोर पर कृष्ण कुंड है तथा इस पीले मंदिर के इधर की तरफ राधा कुंड है। कृष्ण कुंड चूंकि बांसुरी से खोदकर बनाया गया है तो उसे बांसुरी कुंड भी कहते हैं। साथ ही इसी प्रकार राधा कुंड राधा जी ने अपने कंगन से खोदकर बनाया है तो उसे राधा कुंड के साथ साथ कंगन कुंड भी कहते हैं। अर्थात आप जरूर यहाँ आए तथा जब भी आप श्री गिरिराज भगवान की गोवर्धन जी की परिक्रमा दें तो मार्ग में ही यह कुंड पड़ते हैं, अर्थात यहाँ आप स्नान कीजिए। साथ ही यहाँ मानसिंह गंगा का जल भी इसमें मिश्रित है। कृष्ण भगवान ने मानसिंह गंगा जल के साथ समस्त तीर्थों का पावन जल इन कुंडों में भर दिया था। इससे स्नान करते ही वह गोवंश हत्या से मुक्त हो गए थे। अर्थात जब भी आप यहाँ आते हैं तथा इन कुंडों में स्नान करते हैं तो अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, साथ ही पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए तथा आप इसे अपने मित्रों में, अपने बुजुर्गों में, अपने बड़ों में शेयर कीजिए। साथ ही आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह के मैं आपको आगे भी नए धार्मिक वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।